हेलो एवरीवन, अभी ना मैं शूट करी तो मेरा शूट हो चुका है और नानी ने घर बुलाया, तो नानी घर चलते ही सारा रायता समेट के रायता समेटते ना मुझे मेरा शुगर का पार्सल रिसीव हो गया। देखो मम्मी फिर से एक्साइटेड हो गई ओपनिंग के लिए। ओपन करते ना आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, इसमें क्या है, ये क्या आ गया। फिर ओपन किया ना तो असली चीज निकली। अचानक ना घर पे ये महाशय टपक पड़े और बोलने लगे ना कि घूमने चलो, मेरा फ्रेंड भी है साथ में। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी तेरे किसी फ्रेंड के साथ, मुझे लगा ना फीमेल नहीं मेल फ्रेंड है इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर इसने मुझे बताया ना कि फीमेल है, देन मैंने कहा ओके चलते हैं फिर। कहीं नहीं भाई, हम तो सिर्फ लुलु मॉल ही जा रहे हैं, वो भी सिर्फ पेट पूजा करने। सीधे फूड कोर्ट पे टपक पड़े हम लोग, वहां से बर्गर किंग गए। बर्गर किंग पे जाके बर्गर ऑर्डर किया हमने। हमारा मील तो हमें रिसीव हो गया, पर ना भाई आज संडे है, संडे और संडे को ना लुलु मॉल में ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई भंडारा चल रहा। और मैं फिर क्या ही बोलूँ, ये बकवास इंसान ना एक सीट भी नहीं ढूंढ पाया जब तक मैं मील रिसीव कर रही थी ना। महान इंसान है ना ये कि एक भी सीट ये कलेक्ट नहीं कर पाया। भाई मैं होती ना तो मैं कलेक्ट कर देती हूँ। मुझे यहाँ इतना गुस्सा आ गया था, मेरा मन कर रहा था कि मैं गिरा दूँ, पर कोई बात नहीं, हमें एक टेबल मिल गई है जो कि मैंने ही ढूंढा है। ये लोग तो यूजलेस एक नंबर के। चलो भाई पेट पूजा तो हो गया, अब थोड़ा सा लुलु मॉल ये लोग को घुमा देते हैं, है ना। नई नई लड़की आई ना हमारे साथ तो उसको लुलु मॉल घुमाना है। तो घूमते हम शॉपिंग सेक्शन में चले गए क्योंकि वहाँ पे ना 50% ऑफ चल रहा था यार। तो मैंने कहा देखते हैं, क्या पता मुझे मेरे लिए कुछ मिल जाए, बट एक भी चीज मेरे साइज की नहीं मिलती यार। बट ये बैग ना बहुत अच्छे थे और 50% ऑफ पे थे, मुझे मेरे लिए तो कुछ मिला नहीं। तो सीधे घर चलते हैं। और याद है ना मैंने कहा था कि मैं नानी घर जा रही हूँ, और देखो मेरा प्लान कैसे चेंज हुआ। मेरी लाइफ ऐसी है।